दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगी डिजाइनर ब्लाउज कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखिए ब्लाउज बनाने के लिए मैंने नेट लिया है और ये डिजाइनर मैंने क्लॉथ लिया है और ये मैंने लाइनिंग लिया है। इस वीडियो में आपको कटिंग के बारे में बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में आपको सिलाई के बारे में, तो आप दोनों वीडियो देखना ना भूलें। तो अभी मैं आपको कटिंग बताती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लाउज पीस पर ही कट कर लेते हैं और उसके बाद ड्राफ्ट रख के लाइनिंग को कट कर लेंगे। ये ब्लाउज की ओपनिंग बैक साइड है और देखिए मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है और जो ब्लाउज बना रही हूँ ये 34 साइज का है। तो सबसे पहले हम आगे की लंबाई लेते हैं, जैसे हमारी तैयार ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे तो हमको 15 इंच चाहिए। शोल्डर 7 इंच, मुड्डे 7 इंच। अभी जैसे मैंने बताया 34, तो तैयार में देखिए 8.5 इंच आएगा और ये 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। वन पॉइंट फाइव इंच की गुलाई और देखिए अभी हम आगे का नेक ड्रॉ कर देते हैं। तो देखिए शोल्डर से 4 इंच और ये डबल नेक रहेगा। इसके बाद इसकी जो लंबाई ले रही हूँ मैंने 6.5 इंच लिया है, तैयार में 6 इंच रहेगा। देखिए एक बॉक्स बना दिया है मैंने और अभी मैं नेक की डिज़ाइन की ड्रॉ करती हूँ। तो देखिए शोल्डर से 4 इंच ले लें और इस टेप को हम इस तरह से रख लेंगे क्रॉस में और यहाँ पे ये ड्रॉ कर देते हैं। तो देखिए अभी हम कटिंग जो करेंगे यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कट करेंगे और यहाँ से भी जो हमारा ड्राफ्ट है उसको देखिए अभी हम सेम ड्राफ्ट पे इसको कट कर लेते हैं। कट कर लेते हैं, मैं नेक पट्टी नहीं लगा, डायरेक्ट कैनवास लगा के पलट दूंगी। तो मैंने देखिए ये कैनवास का टुकड़ा ले लिया और ड्राफ्ट को इस तरह से हम इसके ऊपर रख देंगे। इसकी चौड़ाई 1 इंच तो देखिए इस तरह से आएगा ड्राफ्ट। तो देखिए मैंने ये ड्राफ्ट कट कर लिया है और यहाँ पे कॉलर आएगा। पहले हम बैक पार्ट कट कर लेते हैं फिर आपको कॉलर की कटिंग बताऊंगी। देखिए बैक पार्ट के लिए मैंने इस तरह से पलट लिया है और अभी हम बैक कटिंग करते हैं। सेम आपको 7 इंच लेना है शोल्डर, मुड्डे सेम 7 इंच और ये 10.5 इंच, गोलाई 1.5 इंच। अभी जो लंबाई है बैक साइड की 14 इंच है, तैयार में हमारा 13 है, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। अभी सेम ड्राफ्ट पे इसको कट कर देते हैं। डिजाइन बताती हूँ, तो जो हमारा ये सेंटर में रहेगा यहाँ पे कुछ नेट रहेगी और कुछ हमारा ये पीस रहेगा। तो अभी आपको बताती हूँ किस तरह से डालना है डिजाइन। तो देखिए शोल्डर से हम 4.5 इंच ले रहे हैं। तो देखिए अभी हम शोल्डर से मार्किंग कर लेते हैं नेक के। तो देखिए ये 10.5 इंच लिया है ना और इसको इस तरह से एक बॉक्स बना देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, सेम बॉक्स को कट कर देंगे और फिर इस बॉक्स में हम नेट लगाएंगे। आपको रख के कैनवास कट कर लेंगे जैसे हमने फ्रंट किया था सेम उसी तरह से। और देखिए ये मैंने नेट लिया है तो अभी हम नेट को यहाँ पे स्टिच करने वाले हैं। जो ये नेट है इसमें भी नेक आएगा हमारा, तो उसकी कटिंग बताती हूँ। तो देखिए ये बैक ओपनिंग है, तो जो ये जो दोनों खुले पार्ट है ये मैंने कट में ले लिए हैं, जो कि सेंटर में हुक पट्टी और काज पट्टी आएगी उसके लिए। और ये पार्ट है यहाँ से भी इसको हम कट कर देंगे। तो देखिए नेट को इस तरह से बराबर से रख लेंगे और इसमें यहाँ पर हमको मार्जिन भी चाहिए अंदर स्टिचिंग के लिए। तो देखिए इस तरह से हमने मार्जिन के साथ इसको रख लिया है और अभी हम नेक लेते हैं। तो देखिए आपको नेक जो लेना है वो 4 इंच में लेना है शोल्डर से और ये बोट नेक में रहेगा। ये मैंने 3.5 इंच लिया है
और इसमें 1 इंच की हम गुलाई दे देंगे। तो देखिए हो गई। इसके लिए क्या करेंगे हम, जो नेट है इसी को क्रॉस में पट्टी इस तरह से क्रॉस में रखेंगे और 1 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लेंगे, क्योंकि इसकी नेट से ही फिनिशिंग देनी है। इसी तरह मैं साइज के अनुसार कट कर लूँगी। और देखिए इनको हम इस तरह से जॉइंट कर देंगे, साइज के अनुसार जॉइंट करके लंबी पट्टी तैयार कर लेंगे। तो देखिए जैसे मैंने बताया बैक ओपनिंग है, तो यहाँ से भी मैं कट कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ से लेके हमारा नीचे तक हुक पट्टी काज पट्टी दोनों आएंगे। तो देखिए जो पट्टी हम यहाँ पर लगाने वाले हैं जिसमें हमारे हुक रहेंगे, तो हम इसी कलर की ब्लाउज कलर की पट्टी लगाएंगे, नेट वाली नहीं लगा रहे हैं। और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, पहले इसको स्ट्रेट कर लेते हैं पीस को। तो देखिए इस पट्टी को हम इस तरह से डबल में कर लेते हैं, क्योंकि डबल में फिनिशिंग एक बार में ही आ जाएगी परफेक्ट। तो इसकी चौड़ाई बता देते हैं। तो देखिए मैंने 1.5 इंच लिया है डबल फोल्ड में, आप सिंगल पट्टी देखेंगे तो 3 इंच आएगी। देखिए इस तरह से पट्टी हो गई है। जब हम अटैच करेंगे तो अंदर की तरफ से अटैच करके इसको बाहर की तरफ इस तरह से पलट देंगे, तो देखिए इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरह से दिखेगी। तो देखिए इसी साइज की मैं एक और पट्टी कट कर लूँगी जिसमें हमारे काज बनेंगे। देखिए ये बचा हुआ टुकड़ा है हमारा, अभी हम इसमें से स्लिप बनाते हैं। तो देखिए इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और इस बराबर से सेट कर लें, और उसके बाद हम इसकी लंबाई, ये हमारा जो स्लीव है ये 3/4 आएगा, हमारा एल्बो तक फिटिंग रहेगी। उसके बाद नेट में फ्रिल आएंगे डबल लेयर। तो देखिए ये तैयार में है, 11 इंच हमारा कपड़ा है, यहाँ से हम स्टिच कर देंगे 11 इंच हो जाएगा। लेकिन जो एल्बो स्लीव है वो 10 इंच की तैयार हो जाएगी, क्योंकि हाफ इंच नीचे जाएगा, हाफ इंच शोल्डर पर। तो पहले इसको सेट कर लेते हैं क्लॉथ को। तो देखिए इसकी जो विड्थ चाहिए हमको, वो हमको 9.5 इंच चाहिए विड्थ। अभी आप देख रहे हैं ये 8 इंच है, तो 1.5 इंच का यहाँ पे हमको पीस अटैच करना है, जो कि हम जो फिटिंग देंगे तो वो अंदर की तरफ चला जाएगा, बाहर नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले मोहरी ले लेते हैं। तो जैसे मोहरी हमारी 11 है, तो तैयार में देखिए 5.5 इंच लेंगे। तो देखिए नॉर्मल जो स्लीव हम कट करते हैं 3.5 इंच लेते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर पीस भी जॉइंट करना है, इसीलिए 2.5 इंच ले रहे हैं। देखिए ये पीस जो हमारा बचा है इसको आप यहाँ पर लगा देंगे जो हमको पीस चाहिए। तो यहाँ से गुलाई दे देते हैं जो पॉइंट दिया है हमने। और आपको बता देती हूँ, मैं डबल फ्रिल कट कर लिए कितना साइज के लिए। तो देखिए ये हमारी सेकंड लेयर वाली फ्रिल है। तो देखिए ये मैंने 4 इंच ली है, इसकी जो लंबाई ली है फ्रिल की। और देखिए एक दूसरा चौड़ा वाला लिया है, इसकी चौड़ाई मैंने 5.5 इंच ली है, 1.5 इंच ये ज़्यादा है और ये वाली फ्रिल हमारी कम है। तो देखिए जब हम सिलेंगे पहले तो हम नीचे पीको कर लेंगे दोनों फ्रिलों में, और उसके बाद हम ऊपर से हमारे एक साथ ही जॉइंट होंगे यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से ये फ्रिल आएंगी, तो ये फ्रिल जो है इस तरह से दिखेंगे, नीचे डबल फ्रिल है और ऊपर हमारा ये फिटिंग का ब्लाउज वाली स्लीव है। अभी मैं आपको बताती हूँ जो फ्रंट में कॉलर लगाने वाले हैं उसकी कटिंग बताती हूँ। तो उसके लिए आप क्या है, अपना गले का मेजरमेंट ले लें, आपका जितना भी या तो कुर्ती है उसका कॉलर का मेजरमेंट ले सकते हैं, या फिर टेप से आप अपना मेजरमेंट ले लें। जैसे मैंने मेजरमेंट है 15 इंच तैयार में आ रहा मेरा कॉलर, तो ये मैंने 16 इंच लिया है और इसकी चौड़ाई मैंने 1.2 इंच ली है। अभी आपको बताते हैं इसको कैसे हम स्टिच करेंगे और क्या लुक आएगा इसका। तो देखिए सबसे पहले हम ब्लाउज को खोल देते हैं। तो देखिए हमारा नेक है और जो ये कॉलर है, देखिए बैक साइड में इसके हुक्स आएंगे, तो यहाँ पे हमारे हुक्स आ जाएंगे और इसका हम सेंटर पार्ट लेंगे। तो देखिए सेंटर पार्ट जैसे ये ले लिया हमने, तो ये कॉलर जो है हमारा यहाँ पर अटैच हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पर अटैच होने के बाद पीछे हमारे ये हुक्स आ जाएंगे, तो ये कॉलर जो है ये सेफरेट रहेगा और जो हमारा ऊपर बैक साइड में बोट नेक है वो सेफरेट रहेगा। तो यहाँ पर जो हुक्स रहेंगे ये आपको गले में पहनने के बाद इसको हुक्स लगा लेना है, और बाद में बैक साइड में जो बटन है वो लगा लेना है। तो ये आपको बताते हैं कॉलर को कैसे स्टिच करें। तो देखिए हम इस तरह से लेंगे, अगर हम डबल लेते हैं तो ये दिख रहा है कपड़ा, हम इसको क्या करेंगे इस तरह से रखेंगे कपड़े को, और इसको एक फोल्ड हम इस तरह से देंगे और एक फोल्ड इस तरह से। तो देखिए हमारे ये
तीन फोल्ड हो गए, तो जो डबल फोल्ड है वो आगे की तरफ आएगा और जो सिंगल फोल्ड है ये बैक साइड की तरफ जाएगा। और इसके हिसाब से हम हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं जो कि हम नीचे की फिनिशिंग देने के लिए। तो देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है। अभी आपको सिलने का तरीका बताते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे पीस को और यहाँ से हम पहले इसकी फिनिशिंग दे लेंगे दोनों साइड के कोने से। जो फिनिशिंग देने के बाद फिर हम इसको पलट के, तो ये इसकी जो फिनिशिंग है वो कुछ इस तरह से जाएगी, जो सिलाई है वो अंदर की तरफ चला जाएगी और ये दोनों साइडों में इस तरह से आएगा। जो हमने हाफ इंच लिया है इसको इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। तो देखिए ये ड्राफ्ट रख के मैंने सभी के लाइनिंग कट कर लिए हैं। ये फ्रंट का लाइनिंग है, ये बैक का है, स्लीव में विदाउट लाइनिंग बना रही हूँ। और देखिए ये जो कैनवास है ये इस ड्राफ्ट का है यहाँ पे। और देखिए ये फ्रंट में ये कॉलर आएगा हमारा, तो ये तुम्हारा फ्रंट पार्ट है। और देखिए ये बैक पार्ट है जो कि हमारा ये नेट भी रहेगा इसमें। और जो हमने ये पट्टी कट की है ये पट्टी भी इस तरह से सेंटर में आएंगी। और उसके बाद देखिए जो स्लीव है ये हम नेट वाली स्लीव बनाई है। तो देखिए ये स्लीव में हम फ्रिल डालने वाले हैं, तो ये ब्लाउज बहुत ही सुंदर बनने वाला है। तो आप अगला वीडियो जरूर देखें जिसमें मैं आपको सिलाई के बारे में बताऊँ। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊँगी डिजाइनर ब्लाउज कैसे बनाए। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको इस ब्लाउज की कटिंग के बारे में बताया था, और आज की वीडियो में आपको बताऊंगी इस ब्लाउज को कैसे स्टिच करें। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप पिछला वीडियो जरूर देख लें जिससे आपको पता चले मैंने इस ब्लाउज की कटिंग कैसे की है। तो देखिए ये ब्लाउज आपको कैसे सिलना है वो तरीका बताते हैं। तो देखिए ये कैनवास और ये नेक पट्टी है, तो आपको यहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, इस कैनवास को इस तरह से रखेंगे और नेक पट्टी को इस तरह से, तो इसको चारों तरफ से पहले हम स्टिच कर लेंगे। जब ये तैयार हो जाएगा पट्टी, उसके बाद फिर हम इस ब्लाउज को, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लाउज को इस तरह से आप उल्टा रख लें और इसके ऊपर हम जो लाइनिंग कट किया है इसको रख लें। रखने के बाद हम क्या करेंगे, इस ब्लाउज़ को पूरा चारों तरफ से इसको स्टिच कर लेंगे, तो ये लाइनिंग के साथ पूरा सेट हो जाएगा। जब लाइनिंग के साथ ये सेट हो जाएगा तो देखिए इस तरह से आएगा ये। और जब हमारी ये नेक पट्टी तैयार हो जाएगी तो ये हम इसको स्टिच करेंगे। यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट लेंगे इस तरह से, जैसे कपड़ा कम है तो हमारा यहाँ पर जॉइंट आ रहा है, पहले हम इस पट्टी को जॉइंट कर लेंगे और फिर इसको स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से जब ये स्टिच हो जाएगा फिर हम इसको पलट देंगे, तो जो पट्टी है ये लाइनिंग की तरफ चली जाएगी और बाहर सिलाई डाल के इसकी फिनिशिंग दे देंगे। उसके बाद फिर हम इसमें प्लेट डालेंगे। तो आपको प्लेट डालने का तरीका बताती हूँ। देखिए सबसे पहले जो हमारा ये नेक है इसका सेंटर पॉइंट ले लें, जैसे कि हमारी ये लाइन खींची हुई है। अगर लाइन नहीं तो आप इस तरह से टेप रख के एक लाइन खींच लें। इसमें दो डॉट आएंगे, एक हमारा नीचे की तरफ आएगा और एक इधर की तरफ आएगा। तो देखिए डॉट डालने का तरीका, सेंटर से 4 इंच और ये 5 इंच लंबी डालनी है। और जो इसके प्लेट की चौड़ाई लेनी है वो हमको 1.5 इंच लेनी है। देखिए इस तरह से, और इस तरह हम इधर भी मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद हम साइड वर्ड डालेंगे। तो जो देखिए जो 5 इंच हमने लिए है यहाँ से हम इस तरह से क्रॉस में टेप रखें आप, और यहाँ पे 5 इंच लंबी प्लेट ले लें इस तरह से। कुछ इस तरह से हमको प्लेट डालनी है, इधर से हमको ज़्यादा क्लॉथ नहीं लेना है। तो देखिए इस तरह से आएगी। तो देखिए इसी तरह मैं दूसरी साइड में ड्रॉ कर लूँगी लाइन। और अभी आपको बताते हैं बैक साइड के बारे में। तो देखिए बैक साइड का जैसे हमको फ्रंट में तैयार करना है सेम ये पट्टी, उसी तरह हमको ये तैयार कर लेनी है। जब ये पट्टी तैयार हो जाएगी इसको साइड में रखेंगे। और जो ये पीस है इनको बताती हूँ, देखिए इसको भी हम इस तरह से लाइनिंग के साथ में पहले पूरा स्टिच कर लेंगे नीचे तक दोनों पीसों को। जब हमारे दोनों पीस तैयार हो जाएंगे, जैसे हमारा नेक तैयार हो जाएगा सेम इसी तरह से हम नेक को स्टिच कर देंगे। जब ये स्टिच हो जाएगा तो उसके बाद जो हमने ये नेट कट की है इसको यहाँ पर पहले सेट कर लेंगे हम इन पार्टों को इस तरह से। नेक की फिनिशिंग देने के बाद आपको ये तैयार करना। देखिए इस तरह से हम नीचे इसको नेट को रखेंगे और इस तरह से हम पहले यहाँ पर सिलाई डाल देंगे। सिलाई डालने के बाद फिर हमको हुक पट्टी, कास पट्टी लगानी है जो कि हमने ये कट कर ली थी। तो ये ऊपर की तरफ भी यही पट्टी आएंगी, तो हम क्या करेंगे इसको अंदर की तरफ से स्टिच करेंगे और बाहर इसको पलट देंगे, तो इसकी अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। ये हमारे राइट साइड में ऐसे ही, और सेम हमारे लेफ्ट साइड में इसी तरह हम पट्टी अटैच कर देंगे। ये पट्टी जो लेफ्ट साइड में रहती है ये एक्स्ट्रा पट्टी रहती है। इसको क्या करना है आपको, ये साइड में रखते हैं, यहाँ से हम सिंगल पहले अंदर से लेंगे और फिर बाहर की तरफ पलट के इस तरह से इसकी फिनिशिंग देंगे, क्योंकि इसमें हम काज बनाने वाले हैं। तो
तो देखिए जब ये पट्टी तैयार हो जाएगी उसके बाद ये नेक की फिनिशिंग करेंगे। ये आपके नेट क्लॉथ से ही आपको फिनिशिंग करनी है, क्रॉस में पट्टी कट करके, और उसके बाद जो हमारी नीचे इसमें भी हमें एक प्लेट डालेंगे। तो देखिए जो नेक हमारा थोड़ा ब्रॉड है तो यहाँ से आप 6 इंच ले लें सेंटर पार्ट से, और सेम 5 इंच लंबी प्लेट डालनी है। ये इस तरह से प्लेट आएगी, और उसके बाद फिर नीचे हम कमर में फिनिशिंग दे देंगे 1 इंच चौड़ी पट्टी लेके। सेम इसी तरह दूसरी साइड में प्लेट डाल देंगे। अभी आपको स्लीव के बारे में बताती हूँ। देखिए जो हमारा कपड़ा यहाँ पे कम पड़ रहा था, ये पीस हमने कट कर लिए हैं। पहले हम इन पीसों को स्टिच कर लेंगे। स्टिच हो जाने के बाद सभी पीसे स्टिच हो जाएंगे। उसके बाद देखिए हमने नेट क्लॉथ लिया है, और इस नेट क्लॉथ पे हम पहले पीको कर लेंगे। दो पीस लिए मैंने, एक छोटा एक बड़ा, वीडियो में दिखाया है। दोनों में पीको करके फिर हम यहाँ पर फ्रिल लगाएंगे। तो देखिए जैसे मैंने बताया था, मैंने पूरा लाइनिंग के साथ स्टिच कर लिया है, और देखिए जो पट्टी बताई थी वो भी स्टिच कर लिया है। अभी हम पहले नेक को तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमको स्टिच करना है। तो इन पॉइंटों पे कट दे देते हैं, और इसको पलट के किनारे पे स्टिच डाल देते हैं इस तरह से। और अभी हम इसके जो प्लेट का मार्किंग किया था ये प्लेट डाल देते हैं। तो देखिए ये प्लेट मैंने डाल दी, और जो मार्किंग की थी साइड में ये प्लेट भी डाल दी। इसी तरह मैंने दूसरी साइड में प्लेट डाल दिया। तो इस तरह आप देखेंगे तो हमारी प्लेटें तैयार हो गई हैं। और आप चाहे तो ये एक सेंटर में भी डाल सकते हैं। तो सेंटर में डालने के लिए आपको क्या करना है, इसको इस तरह से फोल्ड करना है बीच जो हमारी प्लेट आ रही है उसके साइड, और यहाँ से हम इस तरह से प्लेट डाल देते हैं। तो देखिए हमारी प्लेट है इस तरह से आएगी। और अभी हम क्या करते हैं, नीचे इसकी फिनिशिंग दे देते हैं। उसके लिए मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी स्ट्रेट कट कर ली है, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। बताती हूँ जो हम इसमें कॉलर लगाने वाले हैं। तो देखिए जैसे मैंने बताया था, ये मैंने यहाँ से लेके इधर तक मैंने ये स्टिच कर लिया है कॉलर के लिए। और देखिए अभी हम इसको पलट देते हैं। पलटने के बाद अभी इसके ऊपर हम किनारे पे सिलाई डाल देते हैं। इस तरह से आएगा। अभी ये हमारा आगे की तरफ आएगा, ये अंदर की तरफ जाएगा, और इसकी फिनिशिंग जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट लिया था यहाँ से, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई डाल देंगे, और उससे पहले हम इसका सेंटर में मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि हमको आगे का पार्ट भी इसी में अटैच करना है। तो देखिए डबल फोल्ड कर लें इस तरह से, और यहाँ पर चौक से मार्किंग कर लें। तो देखिए हम पहले यहाँ से स्टिच, मैंने अटैच कर दिया। तो देखिए इस तरह से आ रहा है। अभी यहाँ पे क्या है, इस तरह से हमारे ऊपर दो हुक लग जाएंगे, और एक साइड में दो काज आ जाएंगे, तो यहाँ पे इस तरह से ये क्लोज हो जाएगा। तो ये इस तरह से रहेगा। तो ये आगे का पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। अभी हम बैक साइड का पीस तैयार करते हैं। तो देखिए जैसे मैंने बताया था, वैसे मैंने इसको भी स्टिच कर लिया दोनों पार्टों को। और अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लेट डालते हैं। तो देखिए हमने मार्किंग दी थी प्लेट पर, यहीं से प्लेट डाल देते हैं। तो देखिए प्लेट हमारी कम्प्लीट हो चुकी है। अभी हम इसका नेक तैयार करते हैं। तो देखिए जो हमने नेक पट्टी और ये कैनवास कट किया था, मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। और अभी हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे इसको, और यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक स्टिच कर देते हैं। यहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो देखिए शोल्डर से हम इस तरह से लेंगे,
यहाँ पे 1 इंच के आसपास छोड़ देंगे और 1 इंच छोड़ने के बाद स्टार्ट करते हैं। अटैच कर दिया, देखिए उल्टी तरफ देखेंगे तो इस तरह से आएगी, यहाँ पे इसके साथ हमारी तुरपाई हो जाएगी। और अभी हम इस पर फिनिशिंग देते हैं, ये राइट साइड है तो यहाँ पे हुक पट्टी आएगी जहाँ पे हमारे हुक लगते हैं। तो देखिए हमने जो पट्टी कट की थी, इस पट्टी को हम क्या करेंगे, इस तरह से अंदर की तरफ से स्टिच करेंगे। तो पट्टी को डबल कर लें, अटैच कर दिए। और ये हमने नेट में क्रॉस में पट्टी कट कर ली थी, ये जो हमारा नेक है इसकी फिनिशिंग के लिए। और इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करके और यहाँ पर स्टिच कर देते हैं। दे देते हैं सेम जैसे हमने आगे दी थी उसी तरह से। इस तरह से आएगा, इधर हमारे काज आएंगे और राइट साइड में हमारे हुक्स आएंगे, तो ये पट्टी हमारी इस तरह से दिखेगी। और हमारा फ्रंट भी पार्ट तैयार हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं, शोल्डर से जॉइंट कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से रखेंगे, सेंटर पार्ट नीचे का, आगे का पार्ट नीचे रख लें और पीछे का ऊपर रख लें इस तरह से। रेडी हो चुका है और अभी हम इसकी फिटिंग भी दे देते हैं। और जो स्लिप लगाएंगे वो हम राउंड में लगाएंगे। तो देखिए हमने इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, वो मार्जिन छोड़ने के बाद इसकी फिटिंग दे देते हैं। तो देखिए जैसे ये 34 साइज़ का ब्लाउज था तो ये हमको 17 इंच लेना है और कमर हमारी 28 है तो आपको यहाँ पे 14 इंच लेना है। और अभी हम स्लिप तैयार करते हैं। तो देखिए हमने जो ये नेट कट की थी, ये नेट पर मैंने पीको कर लिया है। देखिए ये हमारा छोटा वाला फ्रिल है और ये बड़ा वाला, दोनों फ्रिल मैंने प्लेट ये पीको कर लिया है। और अभी हम यहाँ पर प्लेट डालते हैं, तो सबसे पहले हम बड़े वाले में डाल देते हैं, सिलाई मार्जिन छोड़ देंगे प्लेन और उसके बाद हम इस तरह से छोटी छोटी प्लेटें डालेंगे। और इसी तरह से मैंने दूसरा पीस था उसमें भी डाल दिया और अभी इन दोनों पीसों को यहाँ पे एक साथ ही अटैच कर देते हैं। फ्रिल हमारी तैयार हो चुकी है, अभी हम क्या है स्लिप में अटैच करते हैं। तो देखिए हमारे जो ये पीस जॉइंट करने थे, ये पीस जॉइंट कर लिए मैंने और अभी हम इस फ्रिल को अटैच करते हैं। तो स्लिप को नीचे सीधा रख लें और जो हमारी ये छोटी फ्रिल है इसको नीचे रखेंगे, बड़ी फ्रिल है ऊपर आएगी। तो देखिए इस तरह से आएगी, बड़ी फ्रिल ऊपर है, छोटी फ्रिल नीचे है। और हम इसमें सिलाई मार्जिन थोड़ा सा लेंगे, कपड़े का छोड़ देंगे, इसमें थोड़ा नेट लेंगे नहीं तो खिंचाव पड़ जाता है, और इसको स्ट्रेट स्टिचिंग डाल देते हैं। दिया है, अभी हम इसकी फिटिंग दे देते हैं। तो देखिए इस तरह से पलट लेंगे और हमने यहाँ पे मार्किंग दे दें अपने साइज के अनुसार। तो यहाँ से हम इस तरह से इसकी स्टिचिंग डालेंगे और यहाँ से हम कम लेंगे नेट में। कटिंग देते हैं फ्रंट में, वो कटिंग दे देते हैं। तो देखिए हमारी फिटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो यहाँ से हम इस तरह से 1/2 इंच यहाँ तक ड्रॉ कर लेते हैं और सेम ड्रॉ पे काट देंगे। तो जो ये ज़्यादा कट है ये फ्रंट में आएगा, जो कम कट है वो बैक में जाएगा। इसी तरह दूसरा कट कर लूँगी। और ये अभी आपको स्टिचिंग का तरीका बताती हूँ जो हम ब्लाउज में अटैच करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको ब्लाउज भी इस तरह से उल्टा रख लेना। तो ये चीज़ देखनी है, जो ये ज़्यादा कटाई ये फ्रंट में आना है, तो आप इसको बैक साइड के पीस से स्टार्ट करेंगे।
तो देखिए ये हमारा बैक साइड पीस है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं मुंडी की तरफ से। ये राउंड में स्लिप लगाने से क्या है, फिटिंग परफेक्ट आती है, खिंचाव नहीं रहता है ब्लाउज में। तो देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट आप इस तरह से बराबर से सेट कर लें और इस तरह से रख के स्टिच डाल दें। हैं तो अब हमेशा राउंड में इसको स्टिच करें और इसी तरह मैं दूसरी साइड में भी स्टिच कर लेती हूँ। तो देखिए ये मैंने दूसरा स्लिप भी अटैच कर लिया है और आप देख सकते हैं हमने दोनों स्लिप अटैच कर लिए हैं। दोनों स्लिप में इस तरह की फ्रिल आ रही है, हमारी डबल फ्रिल आ रही है। और देखिए ये कॉलर है जो कि इस तरह से आएगा आपका, ये सेपरेट है। पहले आप मैंने यहाँ पर हुक भी लगा दिए हैं, देखिए दो हुक लगा दिए हैं। और आगे देखिए आपकी ये डिज़ाइन रहेगी और स्लिप इस तरह से रहेगी। अभी आपको पीछे का दिखाते हैं। तो देखिए मैंने पीछे भी यहाँ पे हुक लगा दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये कॉलर इस तरह से आएगा और ये नेक हमारा सेफरेट रहेगा। तो देखिए ये हमारा नेट का नेक रहेगा और ये हमारा क्लॉथ आ रहा है, टू पीस लाइनिंग और ब्लाउज पीस। और देखिए ये स्लिप भी इस तरह से आएंगी। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है हमारे ब्लाउज का। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सा ब्लाउज डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।